बच्चों, आइए हम शीत युद्ध के दौर में विश्व के एक बड़े फलक पर हुए बदलावों से नजर हटाकर अपना ध्यान अपने क्षेत्र दक्षिण एशिया की ओर मोड़े। 20वीं सदी के आखिरी सालों में जब भारत और पाकिस्तान ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी पर बैठा लिया, तो ये क्षेत्र पूरे विश्व की नजर में महत्वपूर्ण हो उठा। स्पष्ट ही विश्व का ध्यान इस इलाके पर चल रहे कई तरीके के संघर्षों पर गया। इस क्षेत्र के देशों के बीच सीमा और नदी जल के बंटवारे को लेकर के विवाद कायम है। इसके अतिरिक्त आंतरिक विद्रोह, जातीय संघर्ष, संसाधनों के बंटवारे को लेकर के होने वाले झगड़े भी हैं। इन वजहों से दक्षिण एशिया का इलाका बड़ा संवेदनशील है और अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि आज विश्व में यह क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है। साथ ही एक बात और है, इस इलाके में बहुत से लोग इस तथ्य की निशानदेही करते हैं कि दक्षिण एशिया के देश अगर आपस में सहयोग करें तो यह क्षेत्र विकास करके एक समृद्ध क्षेत्र बन सकता है। अर्थात इस क्षेत्र में आपस में सहयोग के माध्यम से एक विकास की पृष्ठभूमि तैयार की जा सकती है। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया के देशों के बीच मौजूद संघर्षों की प्रकृति और इन देशों के आपसी सहयोग व सहयोग की संभावना को समझने की कोशिश करेंगे। दक्षिण एशिया के देशों की घरेलू राजनीति से इन झगड़ों या सहयोग का मिजाज तय होता है। इस वजह से अध्याय में पहले दक्षिण एशिया का परिचय दिया जाएगा और कुछ देशों की घरेलू राजनीति की भी चर्चा इस अध्याय में की जाएगी। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है दक्षिण एशिया। तो चलिए एक बहुत आसान और रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच कितना तनावपूर्ण होता है, ये हम बखूबी जानते हैं। हमने ये भी देखा है कि क्रिकेट मैच देखने के लिए पाकिस्तानी अथवा भारतीय फैंस जब एक दूसरे के देशों में पहुंचते हैं तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता है। लोग गर्मजोशी से मेजबानी एक दूसरे की करते हैं। यही हाल दक्षिण एशियाई मामलों का भी। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा तथा पारस्परिक शंका और विश्वास साथ साथ बसते। शुरुआत हम एक बुनियादी सवाल से करें कि दक्षिण एशिया है क्या? अमूमन बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर, पूरब में मौजूद बंगाल की खाड़ी से यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में सामने आता है। यह भौगोलिक विशिष्टता ही इस उपमहाद्वीपीय क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल इन आठों देशों के लिए करेंगे। इस तरह परिभाषित दक्षिण एशिया हर अर्थ में विविधताओं से भरा पूरा इलाका है, फिर भी भू राजनीतिक धरातल पर यह एक क्षेत्र है। दक्षिण एशिया में तमाम विविधताओं के बावजूद एक सांस्कृतिक निरंतरता पाई जाती है। उनका एक साझा इतिहास है जिसका प्रारंभ वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता से होता है, लेकिन श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश अंग्रेजों के उपनिवेश थे, इसलिए उनके द्वारा किए गए शोषण व दर्द एक समान है। हालांकि अफगानिस्तान व नेपाल सीधा तो अंग्रेजों के उपनिवेश नहीं थे, लेकिन उनका यहां पर व्यापक प्रभाव रहा। एक साझा भूगोल व इतिहास उन्हें एक क्षेत्र के रूप में चिन्हित करती है। आजादी के बाद दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणालियां नहीं रही। अनेक समस्याओं और सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। भारत में लोकतंत्र के विकास के बारे में एक और किताब में आप विस्तार से पढ़ेंगे। इस किताब में आजादी के बाद के दिनों में भारतीय राजनीति की चर्चा की गई है। भारत के लोकतंत्र की
बहुत सारी सीमाओं की तरफ इंगित किया जा सकता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक रहा है। यही बात श्रीलंका पर भी लागू होती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। शीत युद्ध के बाद के सालों में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद के सालों में लगातार लोकतांत्रिक सरकारें बनती रही। पहली सरकार बेनजीर भुट्टो की बनी, इसके बाद नवाज शरीफ, और इसके बाद यह श्रृंखला चालू रही। लेकिन इसके बाद 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट हुआ। 2008 से फिर से यहां पर लोकतांत्रिक शासन है। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था, और इस बात का खतरा बराबर बना हुआ था कि राजा अपने हाथों में कार्यपालिका की सारी शक्तियां ले लेगा। 2008 में राजतंत्र को खत्म किया और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। बांग्लादेश और नेपाल के अनुभवों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य बन चुका है। दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देशों में भी ऐसे ही बदलाव की बयार बह रही है। भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया। राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। दूसरा, मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। 1968 में यह एक गणतंत्र बना और यहां शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। 2005 जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया। मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी MDPF देश के राजनीतिक मामलों में उसका सबसे बड़ा दबदबा है। MDP ने 2018 में हुए चुनाव में जीत हासिल की। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। इसके बावजूद दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी। इस क्षेत्र के 5 बड़े देशों में हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण से यह बात जाहिर हुई कि इन 5 देशों के में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है। इन देशों में हर वर्ग धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। इन देशों के लोग शासन की किसी और प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र को वरीयता देते हैं और मानते हैं कि उनके देश के लिए लोकतंत्र ही ठीक। ये निष्कर्ष बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले से माना जाता रहा है कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल फूल सकता है। इस लिहाज से देखें तो दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र की वैश्विक संकल्पना का दायरा भी बढ़ा है। अब हम दक्षिण एशिया की सामान्य समस्याओं के बारे में बात करेंगे। पहली है जनसंख्या की अधिकता, दूसरी है गरीबी, तीसरी है कमजोर प्रशासनिक व्यवस्थाएं, चौथी है कमजोर लोकतांत्रिक संस्थाएं, पांचवा है आतंकवाद, छठवां है भाषाई और जातीय संघर्ष। और इन सब के बावजूद सभी देश किसी न किसी सीमा विवाद से आपस में फंसे हुए। आइए इन समस्याओं की एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला है जनसंख्या की अधिकता। चित्र में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से दक्षिण एशिया में जनसंख्या की अधिकता है। भारतवर्ष विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। दूसरी समस्या है गरीबी। दक्षिण एशिया विश्व के गरीब देशों के बीच में शुमार है, जहां पर एक बड़ी जनसंख्या का भाग अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए अभी भी संघर्ष करता हुआ दिखता है। तीसरा है कमजोर प्रशासनिक व्यवस्थाएं। इसके अंतर्गत भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, लोकतांत्रिक संस्थाओं का अच्छे तरीके से काम न करना, ये अन्य समस्याएं, अन्य प्रशासनिक अव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। चौथा है कमजोर लोकतांत्रिक संस्थाएं। इसके अंतर्गत अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो यहाँ पर
नेता बदलते रहते हैं, पार्टियां बदलती रहती हैं, सरकार बदलती रहती हैं, लेकिन लोगों की मूलभूत समस्याएं, समस्याओं का निदान उस गति से नहीं होता है जिस गति से इसे होना चाहिए। लोगों में अपनी लोकतांत्रिक चेतना का भी कई बार अभाव होता है, इसलिए कई बार किसी के बहकावे पर या किसी अन्य माध्यम से प्रभावित होकर के लोग मतदान करते हैं। पांचवा है आतंकवाद। पूरा दक्षिण एशिया आतंकवाद नामक बीमारी से ग्रसित है और इसका सर्वाधिक प्रभावित देश है वो है भारत। छठा है भाषाई और नृजातीय संघर्ष। इसके अंदर पूरे दक्षिण एशिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी कि कई भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्रीय अस्मिताओं के नाम पर वहां पर एक संघर्ष शुरू होता है। उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं जिस तरीके से श्रीलंका के अंदर में तमिल और सिंहलियों के बीच में, जैसे पाकिस्तान के अंदर तमाम प्रकार की क्षेत्रीय व धार्मिक पहचान की राजनीति सामने आती है और इनके बीच में आपसी और यहां तक कि खूनी संघर्ष तक चालू रहता है, जैसे कि सिया सुन्नी, बलूच, मुहाजिर, सिंधी, इनकी समस्या है। भारत देश के अंदर में भी अपनी क्षेत्रीय, भाषाई, अन्य प्रकार की राजनीति सामने आती रहती है जिसका समाधान करने की कोशिश की जाती रही। सातवां है सीमा विवाद। चूंकि पूरा दक्षिण एशिया अंग्रेजों की गुलामी और उनके द्वारा बनाई गई हुई सीमाओं से विभाजित है, इसलिए कई बार ये विभाजन बहुत कृत्रिम है, जिसकी वजह से लोगों में पूरे दक्षिण एशिया के बीच में सीमाओं को लेकर के विवाद बना हुआ है, चाहे भारत पाकिस्तान के बीच में हो, भारत बांग्लादेश के बीच में हो, ये विवाद अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में हो, ये विवाद अनवरत रूप से चलते रहते। इन विवादों के आसपास ही अन्य राजनीतिक प्रक्रम चलते हैं जो कई बार एक दूसरे के विरोध तक में चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, इस सत्र में हमने दक्षिण एशिया क्या है, उसके देश कौन कौन से हैं, उन देशों के बीच में आपस में क्या संघर्ष और सहयोग क्या है, उनकी आपसी समस्याएं क्या हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। शेष चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।